वेलकम यू अगेन ऑन हरी ट्यूटोरियल। हरी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है फिर से। और अभी काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ा मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियो आपका आ नहीं पा रहा था। अभी वीडियो अगेन फिर से स्टार्ट होने वाला और कंटिन्यू स्टार्ट होगा। अभी तक मैंने बायो की कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अब मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ और उस पर कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाऊँगा। फिजिक्स भी आपको इस ट्यूटोरियल में, हरी ट्यूटोरियल में आपको सारा चीज़ें डिस्कस कराया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सारा मैं डिस्कशन करूँगा पूरा विद द टॉपिक, एक एक टॉपिक को लेकर के। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसके लिए अप्लाई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वो है कौन सा, मोशन। हाँ, मोशन स्टार्ट करते हैं। तो मोशन को अगर हमको समझना है, तो मोशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे रेस्ट क्या होता है ना। तो पहले रेस्ट को समझते हैं, देन उसके बाद मोशन को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि रेस्ट होता क्या है। रेस्ट की हम लोग बात करेंगे, जैसे इन केस बात करेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पर है, If it does not change its position, तो वो क्या करेगा, position change नहीं करेगा, अपना position नहीं change करेगा with respect to the surrounding medium। यानी अगर in case अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर ये marker है, ठीक है, अगर ये marker है, ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, यानी किस position पर है, rest पर है। क्यों? क्योंकि अपने जो surrounding medium में है, surrounding medium, अगर मैं surrounding medium की बात करूँ, तो surrounding medium की इसके surrounding में जैसे मैं खड़ा हूँ, ये board है ना, और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे जो मैं आपको कैमरे के थ्रू यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, है ना, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो इसके सराउंडिंग में क्या है, ये एज इट इज वहीं पे है ना। यानी कि अगर इसके सराउंडिंग की बात करेंगे, तो अपने सराउंडिंग के पोजीशन पर जिस पे ये है रखा हुआ है, जहाँ पे ये रखा हुआ है, उसके सराउंडिंग में सभी चीजें क्या है, वो वहीं की वहीं है, और ये बॉडी भी वहीं की वहीं रखी हुई है। अगर बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है ना, तो वो हमेशा इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो हमेशा कभी पोजीशन चेंज ही नहीं करेगी, कभी पोजीशन नहीं चेंज करेगी, वो पोजीशन कभी नहीं चेंज करेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अगर मैं मानकर इसको यहाँ रख दूं, ये रख दिया ना मैंने, तो यहाँ पर यानी कि समझ में आता है मेरे को कि यहाँ पे मैं मार्कर अगर रख दिया हूँ, यानी किस पर है, रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग मीडियम्स, ये जो इसके सराउंडिंग मीडियम है, यहाँ पे ये क्या है, ये अपनी बॉडी को ये चेंज, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जहाँ है वहीं पे है। समझ आ गया? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, रेस्ट कहते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है रेस्ट की बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट अगर आगे की बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब मोशन होता क्या, ठीक है। अगर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मोशन की हम बेसिकली मोशन की बात करेंगे, जब कोई बॉडी, हाँ, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई बॉडी चेंज करेगी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग एंड टाइम। समझ आ गया? यानी कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा, कोई भी बॉडी हो, अपना पोजीशन जब चेंज करेगा, तो क्या होगा, वो चेंज करेगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये अगर कोई बॉडी है, ये किस पर है, रेस्ट पर है, मुझे भी दिख रहा है रेस्ट पर है, और आपको भी दिख रहा है कि ये बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। अगर इन केस मान लो कि ये बॉडी जो है अगर ऐसे करके मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि सराउंडिंग मीडियम में कौन है, जरा ये बताना, सराउंडिंग मीडियम में है कौन, पता है ना सराउंडिंग मीडियम में कौन है। अच्छा, सराउंडिंग का मतलब तो पता है ना, इन क्लास में अगर पहुंच गया हो तो मुझे लगता है सराउंडिंग का मतलब पता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता सराउंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, टैलेंटेड देख रहा है कि गोबर देख रहा है, मुझे इसका मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि यहाँ पे अगर सराउंडिंग मीडियम, इसकी सराउंडिंग की अगर बात करेंगे, तो यानी कि ये सराउंडिंग में इसके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, इसके सराउंडिंग में, इसके आस पास आस पड़ोस के लोग जितने होंगे वो उसके सराउंडिंग में आ जाएंगे, लेकिन ये इसके सराउंडिंग मीडियम की अगर बात करेंगे, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एज विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आएगी ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते रहते हैं, घर से निकले,
घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से गए, फिर घर आए, यानी कि क्या है, हम किस में है, मोशन में है ना। हम मोशन में किसके रिस्पेक्ट में है, मोशन में हम मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो आसपास की चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। और विथ टाइम, टाइम की अगर बात करें तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, है ना। अगर हमको जाना है यहाँ से वहां जाना है या यहाँ से वहां जाना है, कितनी भी, अगर मैं यहाँ से यहाँ आया कुछ टाइम लगा, यहाँ से यहाँ आया कुछ टाइम लगा। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि बिना टाइम लगे मैं यहाँ से वहां गया वहां से आया, ऐसा तो नहीं है। यानी कि यहाँ पे मोशन की सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि यानी मोशन है क्या चीज। मोशन बिना बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई बॉडी क्या करती है अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम इज कॉल्ड मोशन। उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। समझ में आ गई ना। ऐसे अगर आगे की बात करेंगे, फिर से अगर आगे की बात करेंगे, अब टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें हम लोग, ये कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, कितने टाइप्स के हैं। मोशन समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया, लेकिन हम लोग बात करेंगे आगे की, हम लोग बात करेंगे आगे की, किसमें क्या करा है, ट्रांसलेटरी मोशन की अगर बात करें, किसकी बात करा, ट्रांसलेटरी मोशन की अगर बात करा है। ट्रांसलेटरी मोशन कहता क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन ये कहता है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी, है ना। जो मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो ट्रांसलेटरी होगा, कब, जब क्या होगा, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो चेंज होगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, हाँ फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। जैसे कोई एक व्हीकल्स होते हैं, जो व्हीकल्स कहाँ चलते हैं, रोड में चलते हैं, वो एक एग्जांपल है किसका, इस ट्रांसलेटरी मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन का वो क्या है, एक एग्जांपल है कि एक फिक्स पॉइंट पे वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ऑप्शन में आ गया। नेक्स्ट अगर आगे की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे ट्रांस रोटेटरी मोशन की अगर बात करेंगे, ट्रांसलेटरी हो गया, अब रोटेटरी मोशन की बात करेंगे कि रोटेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सिस। यानी कि सर्कुलर पाथ की बात करेंगे कि जो सर्कुलर पाथ होगा, जो सर्कुलर पाथ होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे मूव कर रहा होगा, कहीं पे मूव कर रहा होगा, लेकिन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक एक्सिस, कोई एक फिक्स उसकी एक्सिस होगी, है ना, एक एक्सिस होगी, वहां से जब मूव कर रहा होगा, यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज रोटेटरी मोशन, इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जैसे क्या होता है, हम लोग किसी एक सर्कल बनाते हैं, हाँ सर्कल में क्या करते हैं, जैसे ये है, जैसे अगर इसकी बात करेंगे, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर, अरे यार मार कर मुझे, जैसे अगर बात करेंगे ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर की अगर बात करेंगे, ये सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर पे क्या हो रहा है, इस सेंटर पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, रोटेटरी मोशन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये फिक्स्ड एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि एक फैन की बात करेंगे, फैन कैसे रोटेट करता है, फिक्स्ड एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। अगर आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन की अगर बात करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन क्या कहता है, ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑसिलेटरी क्या कहता है, ऑसिलेटरी ये कहता है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी अगर इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो। यानी कि क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे, हाँ ऐसे मूव करेगा, यानी उसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की अगर बात करेंगे क्या कहेंगे उसको, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ गया, यानी अगर ऑसिलेटरी मोशन की अगर बात करेंगे, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपका क्लॉक, है ना, अगर हम क्लॉक की बात करें, कौन सी क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक की बात करें, वो कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है ना, ऐसे ही तो मूव करेगी। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से तो हो नहीं पाएगा, कोई यहाँ पे मेरे पास थ्रेड भी नहीं है। जैसे अगर उसकी बात करेंगे, एक सेकंड, हाँ ये है ना, अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऐसे ही तो मूव करता है, ऑसिलेटरी मोशन की अगर बात करेंगे कि ऐसे ही तो मूव करता है, ऐसे एक ऐसे मूव करता है ना, ये पेंडुलम ऐसे ही तो रहता है क्लॉक में, पेंडुलम जो क्लॉक रहती है ये ऐसी है, इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। समझ में आएगा, ये किसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी
मोशन, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अगर आगे की बात करेंगे, इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि इसको क्या कहते हैं, ऑस्टेटरी मोशन कहते हैं। अगर नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट मोशन की बात करेंगे, रैंडम मोशन, किसकी, रैंडम मोशन की बात करेंगे। रैंडम मोशन की अगर हम बात करेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हूज डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज चेंज कंटिन्यूअसली, जिसकी स्पीड या डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहे, चेंज होते रहे, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कभी चलते रहते हैं, चलते रहते चलते रहते हैं, अचानक रास्ता बदल देते हैं, है ना, जाना उस गली से चले जाते हैं उस गली, है ना। ये लोग, हम लोग तो वैसे भी इंसान है, लेकिन हम लोग ये सब रैंडम मोशन जल्दी हमसे होता नहीं, क्योंकि हमको पता होता है पहले से हमको किधर जाना है। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें, जैसे बर्ड्स लोग क्या करती हैं, बदल जा रही है डायरेक्शन को चेंज करती, फिर जा रही है, फिर डायरेक्शन चेंज करती, डायरेक्शन चेंज करती, है ना, तो डायरेक्शन चेंज करती रहती है। यानी क्या होगा, रैंडम मोशन में ये आएगा, रैंडम मोशन में जो बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती रहती हैं। अगर हम फिर से बात करेंगे, जो फिशेज होती हैं, फिश की मछलियाँ की बात करेंगे, तो मछलियाँ क्या होती हैं, मूव करती रहती, करती रहती, चलती जाती, चलती जाती, चलती जाती हैं, फिर कभी कभी क्या होता है, अचानक डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, फिर डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, मतलब डायरेक्शन अपना क्या करती हैं, चेंज करती चली जाती हैं, वॉशिंग में आएगी ना। तो इसको क्या कहेंगे, रैंडम मोशन, क्या कहेंगे इसको, रैंडम मोशन। इसको रैंडम मोशन में ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करेंगे, ये सारे क्या है, जितना 9th क्लास में इंपॉर्टेंट था टाइप्स ऑफ मोशन वो मैं बताया, और तो बाकी सब 11th क्लास में बात करेंगे, है ना। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि पहले रेस्ट किसको कहते हैं, रेस्ट समझ में आ गया होगा तो फिर मोशन किसको कहते हैं, और मोशन के बाद हमको समझ में आ गया है कि ये टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल था तुम लोग को जो मैंने बताया, अभी सब एग्जांपल के साथ मैंने बताया। अब नेक्स्ट अगर जो वीडियो हम लोग बात करेंगे, वो इसी के आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके आगे फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देन उसके आगे फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल विद इजी मेथड, ठीक है, इजी मेथड से कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी में होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ओके, थैंक यू।